गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा 34th व्लॉग। तो बस अभी इस व्लॉग को शुरू करते हैं। मैं स्कूल गया था, स्कूल से आ चुका हूँ और अभी देखते हैं खाने में क्या क्या है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि चाय बना लूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी में गया था और चाय नहीं मिली थी। बिल्कुल भूखा गया था। और इधर है खाने में करेले और इधर है दाल, पूरा वेजिटेरियन में लगा। इसको खोलना पड़ेगा। इधर क्या है, ये दूसरे तरीके की दाल है। बस अभी मैं सोच रहा हूँ कि असल में पापा लाए थे सुबह मैगी, बहुत सारी मैगी तो नहीं है, उसकी 2 कॉपी है क्योंकि मैगी नहीं खानी है मुझे। ये है देखो, इसकी 2 कॉपी एंजॉय जो भी है ना। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बना लेता हूँ और इससे पेट भर लेते हैं। बाकी तो मेरे पास चाय है, बिस्किट है, ये खा लेंगे। और गाइस मेरी जो एक तरीके की थाली है आफ्टर स्कूल थाली, वो रेडी हो चुकी है। ये है, बस मैं ये खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस मैंने वो सब तो खा लिया था और अभी मैं आया हूँ लाइट चेंज करने। देखो बाहर का मौसम अभी दिखाऊंगा, पहले लाइट चेंज कर लेता हूँ। लाइट पता नहीं, ये देखो बाहर का मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, हवाएं चल रही है, चिल्ला रही है जान बूझ के, ठीक है ना। गाइस यहाँ पे असल में सर ने मुझे होमवर्क दिया था ट्यूशन टीचर ने कि एक ऐसा हुआ था, टेस्ट हुआ था ट्यूशन में और जिसकी थी नहीं मेरी तैयारी बिल्कुल। अब अभी अपने आपको बचाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे सच्ची में बिल्कुल तैयारी नहीं थी। और क्या कहते हैं, तो 100 नंबर का टेस्ट था जिसके अंदर से आए मेरे 50% आए। 25 क्वेश्चन गलत थे, 25 सही थे मेरे। तो बस और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जिसके 60 से कम आते उसको मिलेगी पनिशमेंट। तो एक समरी भेजी थी उस चैप्टर की। कल मैं गया नहीं था ट्यूशन क्योंकि असल में कोई एक्सपायर हो गया था, इसलिए ना मैंने व्लॉग बनाया था कल। तो बस तो मैंने वो समरी 2 बार करी, तो जो कल एबसेंट हुआ उसको 2 बार करनी थी, कल की भी करी। देखो बाहर का मौसम यहाँ में दिखाना चाह रहा हूँ, कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम। हवाएं चल रही बहुत तेज़। और बस अभी मैं दुआ मांग रहा हूँ कि बारिश अभी ना पड़े, बारिश पड़े 4:45 पे, जिससे मेरा ट्यूशन जाना बच जाएगा, इस ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा बस सच्ची में। बस ठीक है ना गाइस, अभी जो करेंगे आपको दिखाएंगे। पहले जो मतलब मेरा होमवर्क था वो मैंने स्कूल में करा था वो मैंने होमवर्क, और मैं अब इसको चिपकाऊंगा गिलू से, ठीक है ना गाइस। जैसा भी आपको पता है मैं ट्यूशन में है, टाइम में देख के बता दूँ उनको। अभी हो रहे हैं 3:05, मेरा ट्यूशन है 5 बजे, तो अभी लगभग 2 घंटे हैं। तो मैं आया हूँ ऊपर जिससे कि मैं अपनी लाइट्स उतार सकूँ क्योंकि ईद को हो गए हैं बहुत दिन और वो उतारनी भी है। बस ये तो है नहीं कि पूरे साल लगी रहेगी, लाइट्स उतारेंगे। ये देखो दानियाल खड़ा हूँ सामने, बारिश हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगा, बस मैं लाइट्स उतारता हूँ ये सारी। ये देखो ये सारी लगी हुई लाइट्स अभी तक, इनको उतारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस फिर मैंने लाइट्स उतार ली थी और क्योंकि बारिश अच्छी खासी तेज़ होने लगी थी। गाइस मैं नहा लिया था और यहाँ पे अब होने लगी है बारिश। ये देखो ये बढ़िया सी बारिश होने लगी है, बढ़िया करके। ये देखो इधर हूँ मैं और मैं जैसे अपनी यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, ना पैर रखे हैं मज़े से, दरबार बढ़िया सीन हो रहा। और बस अभी देखते हैं कि ट्यूशन जाएंगे या नहीं, मैसेज आता सर का छुट्टी का है या नहीं। तो गाइस फिर मैं ट्यूशन से आ गया था और मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पायन पढ़ रहा था इसलिए मैंने उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करा। गाइस मैं ट्यूशन से आ गया था और फिर क्या कहती हैं, मैं पे यहाँ गया था, वहाँ पायन पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करा। वहाँ पे आगे बैठ जाओ तो वो पढ़ता नहीं है, वैसे ही कम पढ़ता। बस तो अभी मैं चलता हूँ घर पे और घर पे आके खाना खाना है क्योंकि मैंने दोपहर सिर्फ मैगी खाई थी और मुझे लग रही है भूख। तो गाइस बस फिर मैंने खाया खाना और थोड़ी बहुत चाय भी बना ली थी और साथ में थे मैं पापा छोटे छोटे, मैंने इसको इसको बहुत जैम लगा लिया था। और फिर मैं फाइज की तरफ गया था थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे ये सब बच्चे थे, रमशा थी और जरियाब था, आहिल वाहिल ये सब लोग थे। गाइस अभी आ गए घर पे मेहमान और मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने, चलते हैं अभी नाश्ता लेते हैं। और नाश्ते में वैसे भी शावर में नहीं जा रहा हूँ, देखते हैं शावर में मिलेगा या नहीं, ठीक है ना गाइस। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सुपर मार्ट और यहाँ से देखते हैं, पहले तो मैं लूँगा पोटाटा बिस्कुट, पोटाटा ये रहा तो ये सही रहता है मेहमानों को सामने रखने के लिए। और मीठे में सोच रहा हूँ यहीं से ले लेता हूँ, केक नहीं, केक चलो दो तरीके से ले लेते हैं, तो जैसे ले लेते हैं क्योंकि क्योंकि फिर क्योंकि सूख गया तो ले लिया है। और अब बस एक लेते हैं नमकीन, इसके अंदर से दो कौन सी लेता हूँ मैं, नमकीन 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 लेके मैं फिर आपसे वहीं मिलता हूँ।
तो बस गाइस फिर मैंने उनके लिए शावर में पैक करा लिए थे और घर जाके लग गया था नाश्ता और मुझे उन्होंने ईदी भी दी थी। द नेक्स्ट डे गाइस आज हो गया नेक्स्ट डे और मैं आ गया हूँ स्कूल से। इधर देखते हैं मम्मी ने खाने बना दिए आज। इसके अंदर कोरमा, इसके अंदर है बिरयानी, क्योंकि आ रहे हैं आज खालू साहब घर पे और अनफॉर्चुनेटली वो आएंगे 5 बजे लगभग, 5 से 5:30 के बीच में। और जब मैं चले जाऊंगा ट्यूशन और फिर जब मैं ट्यूशन से आऊँगा 7 बजे तो वो चले आएंगे घर वापस, तो मतलब 1:30 में उनसे मिल नहीं पाऊँगा। तो मैं मम्मी से कह रहा हूँ कि उन्हें रोक के रखना, अगर मिलेंगे उनसे खालू साहब से तो आपको दिखाएंगे। तो मम्मी खाना दे दो, मम्मी बिरयानी उतार देना। बस मम्मी बिरयानी दे रही हूँ मुझे, देखो इसके अंदर है बिरयानी। ये रही बिरयानी, देखो यार क्या मजे की लग रही है। बस मैं अभी इसको खाता हूँ और फिर आपसे मैं। तो गाइस मैं नहा लिया हूँ, बस खाना वाना खा लिया था, बस अभी वेट है खालू साहब का आने का। वो आ जाते हैं तो आपको मिलेंगे, नहीं तो हम चलेंगे ट्यूशन। तो गाइस फिर मैंने ट्यूशन से आने के बाद खाया थोड़ा सा खाना। गाइस मैं आ गया हूँ अभी घर से, आप घर पे और यहाँ पर काम ही चल रहा है वैसे तो। अभी हाँ ढूंढते हैं घर तो नहीं आया, तो गाइस यहाँ पर आयान PS5 पे खेल रहा था। मैं ज़्यादा नहीं बोला वहाँ पे क्योंकि अफ़ान भाई की मीटिंग चल रही थी इसलिए। गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। बाय।